डॉक्टर अलेक्जेंडर कैनन हांगकांग में नाइट पदवीधारी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा गुप्त विद्याओं के रहस्यों के गंभीर अन्वेषक हैं। एक लामा योगी ने उनको निमंत्रण दिया था, अतः वे अपने एक साधु मित्र के साथ लामा योगी के यहाँ जा रहे थे। उन्हें इस यात्रा में तथा जीवन भर में आध्यात्मिक तथा योग के संबंध में जो अनुभव हुए उनका इनविजिबल इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है। उपर्युक्त यात्रा में वृत्तांत में एक स्थान पर वे लिखते हैं, जहाँ लामा रहते थे उस मंदिर के पास हम पहुँच रहे थे। मंदिर कुछ ही दूर सामने था, परंतु रास्ते में हमारे सामने एक बड़ी खाई थी जिसे हम पार कर ही नहीं सकते थे। ये खाई 50 गज चौड़ी और बहुत गहरी थी। समझदार और अंतर्दशी लामा ने हमारी सहायता के लिए अपना एक दूत भेजा था जो खाई के किनारे हमें उपस्थित मिला। उस दूत ने खाई पार करने के लिए प्राणायाम, शिथिलीकरण तथा कुछ और ऐसे ही योग के साधन बतलाए। यद्यपि योग के साधनों से हम अभ्यस्त थे, तथापि खाई पार करने के लिए ऐसे साधन करने में उस समय मन ही मन हंसी आई और आश्चर्य हुआ तथा खाई पार करने के लिए वे साधन हमें वैसे ही प्रतीत हुए जैसे कि मन में लड्डुओं से पेट भरना। दूत ने हमें एक प्रकार का प्राणायाम तथा ऑटो हिप्नोसिस करने को कहा। आदेशानुसार हमने खाई पार करने की तैयारी इसी साधन द्वारा की। फिर एक क्षण में ही हम दोनों, मैं और मेरे साथी जो साधु मित्र थे, खाई के उस पार कुशलतापूर्वक पहुँच गए, परंतु हमारे साथ जो बच्चे थे वे इसी पार रह गए। हमने उन्हें लौट जाने की आज्ञा दे दी। हमने देखा कि हमारा सारा सामान भी उसी पार पड़ा हुआ था। फिर जब डॉक्टर कैनन लामा योगी के यहाँ से कुछ सप्ताह पश्चात लौटे तो खाई पार करते समय पुनः वैसी ही घटना हुई। जब भरी सभा में लामा ने डॉक्टर साहब का स्वागत किया, उस समय का अनुभव और भी अजीब था। लामा बैठे हुए थे और उनके शरीर के चारों ओर 3 फीट के घेरे में नीले रंग का तेजस था। फिर कफन में लपेटा हुआ एक मृत मनुष्य का शरीर लाया गया। डॉक्टर साहब को उस शरीर को देखने जांचने की अनुमति दी गई। परीक्षा करने पर डॉक्टर साहब को मालूम हुआ कि उस मनुष्य को मरे हुए 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। इसके पश्चात लामा के आज्ञा देते ही उस मरे हुए मनुष्य ने आंखें खोली। फिर वह उठकर खड़ा हो गया और 2 साधुओं की सहायता से लामा की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाए हुए लामा के पास तक गया और प्रणाम करके वापस आकर पुनः कफन में जाकर मरा हो गया। इस आश्चर्य को देखकर डॉक्टर साहब के मन में ये प्रश्न उठा कि प्राणायाम और राजयोग युक्त साधन की कोई घटना है ये अथवा कुछ और है। उन्होंने प्रश्न किया ही नहीं कि इतने में बिना कुछ पूछे या सुने ही मानो टेलीपैथिकली विचारों द्वारा ही लामा को डॉक्टर साहब के मन के विचार मालूम हो गए। लामा ने उत्तर दिया कि यह मनुष्य 7 वर्ष से मरा हुआ है तथा अगले 7 वर्षों तक भी इसी प्रकार सुरक्षित मृत अवस्था में रह सकता है। इसकी आयु 100 वर्षों की है तथा और भी 100 वर्षों तक ये इसी प्रकार जिंदा रह सकता है। तब डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया कि इसके शरीर के गुप्त मन और आत्मा कहाँ हैं? जांच करने से तो यह मालूम पड़ा। लामा ने उत्तर दिया कि इसकी आत्मा और मन खास कार्यों के लिए पृथ्वी पर सर्वत्र भेजा जाता है। खाई पार करने में जिसने आपको सहायता दी थी वह यही दूत था। लौटते समय भी जब दूत खाई पर उपस्थित था तब डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया, मुझे जीवन में ऐसे अजीब अनुभव क्यों हो रहे हैं? दूत ने डॉक्टर साहब की त्रिकुटी पर दृष्टि जमाते हुए प्रेम से उत्तर दिया, हम लोग आजकल की आधुनिक स्थिति के अनुसार आपका मूल्य नहीं आंकते। हम तो आपकी विमूढ़ शक्तियों के अनुसार आपकी जांच करते हैं। हमें तो आपके भविष्य से प्रयोजन है। आपके भविष्य में यह बात अंकित है और आपको श्रद्धापूर्वक इस मार्ग का अनुसरण करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब ने और भी अजीब घटनाएँ देखीं। प्रसिद्ध फ्रेंच परिवाचक देवी श्रीमती अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने भी सिद्ध योगियों की बहुत खोज की है। वे ब्रुसेल्स विश्वविद्यालय की प्रोफेसरी छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुईं और 12 वर्ष तक तिब्बत में रहकर लामा योगियों के साथ रहकर अध्यात्म विद्या का अभ्यास किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में लामा योगियों की असाधारण सिद्धियों का वर्णन करते हुए एक घटना को इस प्रकार उल्लेख किया है। उत्तरी तिब्बत के छंगड़थे पठार में मेरी एक लुंगड़ गोम्पा नामक योगी से भेंट हुई। मैं अपने पुत्र और सेवकों के साथ उस पठार को पार कर रही थी।
इतने में मुझे एक छोटी काली चीज बहुत दूर से अपनी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। दूरबीन लगाकर देखा तो एक मनुष्य आकृति दिखाई दी। इस सघन वन में यात्री का दिखाई देना एक आश्चर्य की बात थी। सोचा, शायद कोई यात्री भटककर इधर आ गया होगा, चलो इसे भी साथ ले चलें। शंका निवारण के लिए मैंने अपनी दूरबीन सेवक को दे दी और ध्यानपूर्वक देखने का आदेश किया। वह बोला, लामा लुंगड़ गोम छींगपा, अर्थात ये तो लामा सिद्ध योगी के समान दिखाई देता है। मैंने ऐसे सिद्धों की करामातों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, किंतु आँखों से देखने के थोड़े ही अवसर मिले थे। मैं द्रुत वेग से अपनी ओर आते हुए उस योगी को ध्यानपूर्वक देखने लगी और सोचने लगी कि जब ये पास आएंगे तो उनसे कुछ बातें करूँगी और फोटो खींचूंगी। सेवक ने मेरी उत्सुकता को पहचान लिया और कहा, देवी जी, आप इस योगी को भूल कर भी ना छेड़ना, ऐसा करने से प्राणों पर संकट आ सकता है। मैंने उसकी बात मान ली और जरा हटकर खड़ी हो गई। जब वह हमारे पास से गुजरा तो मैंने देखा कि उस सिद्ध योगी की आंखें अध खुली थी और आकाश में किसी ऊंचे पदार्थ को स्थिर दृष्टि से देखता था। वह रेलगाड़ी की तेजी से दौड़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका शरीर एक गेंद है जो बार बार जमीन में लगती और जोर से उछलती हुई आगे चली जा रही थी। वह धुनी हुई रुई की तरह हल्का लगता था। बाएं हाथ में वस्त्र और दाहिने हाथ में अभिमंत्रित छुरी लिए हुए था। वह छुरी उसे छड़ी की तरह जमीन छूने पर सहारा देती जाती थी। कुछ ही छड़ों में वह इतनी दूर निकल गया कि फिर मैं उसे दूरबीन की सहायता से भी ना देख सकी। आगे थेब गिपाई क्षेत्र पर जाकर मैंने अपने साथियों से उस दृश्य का वर्णन किया तो उन्होंने बताया कि लुंग गोम पा सिद्ध योगी रुई की तरह हल्के बन जाने और हवा की तरह दौड़ने में पूर्ण दक्ष होते हैं। उन्हें और भी अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।